बहुत कम लोगों के साथ इस अंतिम विदाई का आयोजन, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल्स के मद्देनजर वहां पर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। पीपीई किट में ये सभी लोग मौजूद हैं और सेना की धुन के साथ ये आखिरी रण। राजकीय सम्मान के साथ प्रणबदा की अंतिम विदाई अशोक सिंघल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अशोक, पुत्र ने अंतिम क्रिया को अंजाम दिया, क्योंकि पीपी किट में दरअसल ये पहचान पाना मुश्किल हो रहा था कि इस पूरे संस्कार क्रिया के दौरान कौन कौन वहां पर मौजूद था। देखिए, क्योंकि कोरोना के पेशेंट रहे हैं प्रणब मुखर्जी, तो इसीलिए पूरा जो प्रोटोकॉल है होम मिनिस्ट्री की गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस कोरोना को देखते हुए उसका पूरा ध्यान रखा गया है और ज्यादा लोगों को वहां आने की अनुमति नहीं होती है, चाहे कोई भी हो। इसीलिए घर पे जब उनका पार्थिव शरीर रखा गया, तब भी पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित करने की बजाय उनकी फोटो पे पुष्प अर्पित किए गए थे, क्योंकि उनके नजदीक नहीं जाने दिया जाएगा। जो भी कोरोना पेशेंट रहे हों और उनकी कोरोना की वजह से भी मौत हुई हो, तो ऐसे लोगों से दूर रखा जाएगा। एक प्रोटोकॉल के तहत ही वहां पे जो भी लोग थे उनको पीपीई किट पहनाई गई थी। सिर्फ फैमिली मेंबर के अलावा वहां पे किसी को भी आने की अनुमति नहीं थी, और जो लोग मेडिकल डॉक्टर्स या दूसरे जो दाह संस्कार में कोरोना पेशेंट को देखते हुए जिनका मौजूदगी जरूरी थी, सिर्फ उन्हीं लोगों को वहां पे मौजूद रहने दिया गया था, बाकी किसी को अनुमति नहीं दी गई।